भावनगर समंदर के किनारे बसा जिला, गुजरात के पास देश की सबसे लंबी कोस्टलाइन है, लेकिन आजादी के बाद कई दशकों में तटीय विकास पर उतना ध्यान नहीं दिए जाने के वजह से ये विशाल कोस्टलाइन एक तरह से लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। समंदर का खारा पानी यहां के लिए अभिशाप बना हुआ था। समंदर के किनारे बसे गांव के गांव खाली हो गए थे, लोग यहां वहां पलायन करने लगे थे। कितने ही नौजवान सूरत जाते थे, वहां एक ही कमरे में 10-10, 15-15, 20-20 लोग जैसे तैसे गुजारा करते थे। ये स्थिति बहुत दुखद थी। साथियों, बीते दो दशकों में गुजरात की कोस्टलाइन को भारत की समृद्धि का द्वार बनाने के लिए हमने ईमानदारी से प्रयास किया, रोजगार के अनेक नए अवसर खड़े किए। गुजरात में हमने अनेकों पोर्ट्स विकसित किए, बहुत से पोर्ट्स का आधुनिकीकरण कराया। गुजरात में आज 3 बड़े एलएनजी टर्मिनल है, पेट्रोकेमिकल हब्स है, और देश में गुजरात पहला राज्य था जहां पहला एलएनजी टर्मिनल बना था। राज्य के तटीय इलाकों में हमने सैकड़ों कोस्टल इंडस्ट्री डेवलप की, छोटे बड़े अनेक उद्योग विकसित किए। उद्योगों की ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए हमने कोल टर्मिनल्स का नेटवर्क भी तैयार किया है। आज गुजरात के तटीय इलाकों में अनेक पावर प्लांट जो केवल गुजरात ही नहीं पूरे देश को ऊर्जा देते हैं। हमारे मछुआरे भाई बहनों की मदद के लिए हमने फिशिंग हार्बर्स बनवाए, फिश लैंडिंग सेंटर्स और फिश प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दिया। फिशिंग हार्बर का जो मजबूत नेटवर्क हमने तैयार किया है उसका भी निरंतर विस्तार किया जा रहा है, उसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। गुजरात के तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव के जंगलों का विकास करके हमने कोस्टल इकोसिस्टम को और सुरक्षित बनाया है और मजबूत बनाया है। और उस समय भारत सरकार में जो मंत्री हुआ करते थे उन्होंने एक बार कहा था कि हिंदुस्तान के तटीय राज्यों को गुजरात से मैंग्रोव का विकास कैसे हो सकता है ये सीखना चाहिए। ये काम आप सबके सहयोग से गुजरात में हुआ है। हमने एक्वा कल्चर को भी निरंतर बढ़ावा दिया। गुजरात देश के उन अग्रणी राज्यों में है जहां सीवीड की खेती को लेकर बड़े प्रयास हुए हैं। आज गुजरात की कोस्टलाइन देश के आयात निर्यात में बहुत बड़ी भूमिका निभाने के साथ ही लाखों लोगों को रोजगार का माध्यम भी बनी है। आज गुजरात की कोस्टलाइन रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रोजन इकोसिस्टम उसका पर्याय बनकर के उभर रही है। हमने सौराष्ट्र को भी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने का प्रयास किया। गुजरात और देश की ऊर्जा
उसकी जो जरूरतें हैं उसके लिए जो कुछ भी चाहिए, आज ये क्षेत्र उसका बड़ा हब बन रहा है। अब तो सौर ऊर्जा के भी अनेक प्रोजेक्ट्स इस क्षेत्र में लग रहे हैं। पालीताना में आज जिस सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है, उससे क्षेत्र के अनेक परिवारों को सस्ती और पर्याप्त बिजली मिल पाएगी। एक समय था, जो आज 20-22 साल के होंगे ना, उनको तो इन बातों का पता भी नहीं होगा। यही हमारे गुजरात में एक समय था जब शाम को खाना खाने के समय अगर बिजली आ गई तो खुशी का दिन होता था। और मुझे याद है, मैं मुख्यमंत्री बना पहले ही दिन से लोग कहते थे कि कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, ऐसा तो करो। वो सारे दुख वाले दिन चले गए दोस्तों। आज यहां पर्याप्त बिजली के कारण बिजनेस के नए अवसर यहां बन रहे हैं, उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं। धौलेरा में रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर जो निवेश होने जा रहा है, उसका लाभ भी भावनगर को मिलने वाला है।